साथ ही मंदिर है, ठीक है, LOC में पड़ता है जी जी। और दूसरी बात ये है, इसके अंदर दो गोले गिरे थे, वो फटे नहीं थे, बम पाकिस्तान ने गिराए थे। देखिए गाइस बॉर्डर देखिए, हम बॉर्डर पे आ चुके हैं इस वक्त। यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा इलीगल है, मगर कोशिश करेंगे हम बना के बनाए दें कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए। यहाँ पे ना फेमस है बॉर्डर की मिठाई मिल केक, जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में पलंग तोड़ बोला जाता है, पलंग तोड़ मिठाई। तो देखिए गाइस यहाँ पे पेंटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं, ये सभी 1800 की है, ओरिजिनल है। तो देखिए गाइस बिल्ली के साथ हम बिस्कुट खा रहे हैं जी जी। ये हमारे हनुमान जी की मूर्ति है भगवान की, ये ऐसी हिंदुस्तान में नहीं है कहीं, इसमें क्या चीज अलग, आप देखो क्या चीज है। तो वेलकम बैक गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी तक आपने देख लिया हमने जो बदरवा की सीरीज़ बनाई थी, जो मैंने गलादार की वीडियो चढ़ाई थी मैजिकल स्टोन के बारे में, तो वो था हमारा बदरवा की सीरीज़ का लास्ट पार्ट था वो हमारा। तो ये कम से कम 6-7 पार्ट्स हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपने मोटो व्लॉग के लिए, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। तो साहिल भाई हमें ले जा रहे हैं अपनी उस अनएक्सप्लोर्ड जगह में। तो मिलिए हमारा ये मोटो व्लॉग जिसपे होना है आज हमारी मीटियोर 350X हमारे साहिल भाई की। आइए चलते हैं मोटो व्लॉग की तरफ। तो वेलकम बैक गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे RSpura बॉर्डर में हमारे जम्मू के साहिल भाई के साथ, और इनके कुछ भाई भी आए हैं हमारे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे आर्मी कैंप में हैं, हाल की हम थोड़ा सा दूर है मगर यहाँ पे थोड़े से आपको हम बंकर से दिखा सकते हैं। तो गाइस इस वक्त हैं हम आर्मी के वो टॉप वाले शेड में जहाँ से निगरानी रखते हैं। तो आप हमारे सामने देख सकते हो, देखो पाकिस्तान दिख रहा है वहाँ से, वो सारा पाकिस्तान है। इस वक्त हम आर्मी वाले के टॉवर के अंदर है जो काफी ऊंचा है। हम सारे ऊपर आए हैं, ग्लू भाई उनके भाई, भाई आपका क्या नाम है? आर्यन शर्मा। इनका नाम है आर्यन शर्मा और भैया आपका? चंदन शर्मा। इनका नाम है चंदन शर्मा। तो इनके आज हम गांव में आए हैं, यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं। तो यहाँ से आप देखिए बॉर्डर का व्यू, देखिए आप यहाँ पे सामने हमारे, और ये हमारे सामने पाकिस्तान आ गया वो सारा, और हम इस वक्त हैं हिंदुस्तान में। और ये देखिए आप काफ़ी ऊपर आए हैं हम ये चढ़ के, हमारा एक भाई उधर नीचे भी है, और ये पूरा हमारा RSpura वो गुरुद्वारा आप देख सकते हो। मौसम काफ़ी अच्छा हो सका, तो बढ़ते हम अपनी अगली लोकेशन पे। देखिए हमारे हिंदुस्तान का झंडा, देखिए आप आगे साहिल भाई दिखाना ऊपर, आपको यहाँ से चाहे दिख नहीं पाएगा लेकिन आपको पास वो देखिए, आराम से चलोगे तो दिखेगा ना। देखिए गाइस बॉर्डर देखिए, हम बॉर्डर पे आ चुके हैं इस वक्त। यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा इलीगल है, मगर कोशिश करेंगे हम बना के कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए। वेलकम बैक गाइस, हम पहुंच गए अपने मंदिर में, ये है श्री रघुनाथ जी टेम्पल है, हम यहाँ पे आए हैं बॉर्डर पे आए हैं। ये हमारा पड़ता है सुचेतगढ़ पे, सुचेतगढ़ में ये टेम्पल पड़ता है। तो आइए इसकी हिस्ट्री जानते हैं यहाँ के लोकल्स के बारे में। तो आइए सर जी, नमस्कार जी। तो आइए यहाँ पे बैठिए थोड़ा, बैठिए जी। तो क्या हिस्ट्री क्या है इसके बारे में, आप क्या बताना चाहते हो कि ऐसा क्या हुआ था जो ये मंदिर हमें आज देखने में मिल रहा है? जी पहले नंबर तो ये मंदिर है, ये हमारा रघुनाथ जी टेम्पल, ठीक है। ये इसका क्या है कि यो सबसे जो जीरो लाइन है के ऊपर मंदिर है, ये जीरो लाइन है देखो पीछे,
साथ ही मंदिर है, ठीक है, LOC में पड़ता है जी जी। और दूसरी बात ये है, इसके अंदर दो गोले गिरे थे, वो फटे नहीं थे, बम पाकिस्तान ने गिराए थे। और 1837 का मंदिर है ये, 1837, तो ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर जी जी, 1837 का सर। अच्छा, 1837 का ये टेंपल है गाइस, तो लगभग इसको 200 साल हो चुके जी जी जी। और हमारे राजा ने बनाया था, फर्स्ट मंदिर यहाँ से शुरू किया। और इस मंदिर का ये है मेन खासियत, यहाँ से फर्स्ट मंदिर और हर 8 किलोमीटर के बाद ये मंदिर बनाया है, परमंडल तक, परमंडल मोड़ तक, परमंडल तक। देखो यहाँ से 8 किलोमीटर अपना आरएसपुरा से 8 किलोमीटर में है मीरा साहब से 8 किलोमीटर है एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर है रघुनाथ जी टेम्पल, ठीक है। ऐसे ऐसे परमंडल तक 8-8 किलोमीटर तक मंदिर बने हैं। तो यहाँ पे हम और मंदिर बने हैं इसलिए मंदिर बने हैं। देखो उस टाइम जब आरती होती थी तो परमंडल तक एक ही सुर चलता था, आरती का शंख चलता था ना, एक ही चलते थे। तो अच्छा, काफ़ी दिलचस्प कहानी है इसकी। और कुछ कहानी आप इसकी शेयर करना चाहते हो? और बिल्कुल, और जो पहली किरण सुबह जब सूरज उदय था राम के चरणों में, भगवान के चरणों में होती है, और जब शाम को सूरज अस्त होता है तो हनुमान के मंदिर में भगवान के चरणों। वाओ गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताई इन्होंने हमें। तो यहाँ पे सनराइज़ पे होता है और वहाँ पे सनसेट पे होता है, तो क्या आप हमें वो दिखा सकते हो कि आप अंदर के कुछ जो आपने बताया, जो बम गिरे, जो सूर्य की किरण होती है वो कहाँ पे पड़ती है, आप वो लोकेशन हमें, हमारे दर्शकों को दिखा सकते हो? जी देखो ना सामने वो जाइए, चलो तो आइए गाइस अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे शूज़ खोलने पड़ते हैं, पेंटिंग है तो बोलो। आइए गाइस दर्शन करते हैं अंदर। भगवान श्री राम के, लक्ष्मण जी, माता सीता जी, उनके चरणों में होता पहले योग सूरज की किरण जी। आइए गाइस अंदर हम अपने मंदिर की बिल्डिंग देखते हैं। और सर जो इसके अंदर जो बम गिरे थे वो देखो आज भी दिशा रखी है मंदिर के अंदर। तो वो देखिए गाइस, जो ऊपर का टॉप पर डोम है वहाँ पे आप निशान देख सकते हो, हाइट बढ़ रही है ना, हाँ वो वहाँ पे निशान है उस बम के, तो वो आप देखिए। तो पंडित जी दर्शन कराना जरा। हाँ जी, हाँ ये जी मंदिर हमारा ये 1837 का मंदिर है। ये हमारे जो जम्मू के पहले राजा बने थे जी, महाराज गुलाब सिंह, हाँ जी, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। 1822 को उनको राजतिलक मिला था, तो 1822 को पहला मंदिर महाराज गुलाब सिंह ने यही बनवाया था। 1822 में ये मंदिर बना हुआ है, हमारे गुलाब सिंह, हमारे J&K के जो रूलर थे, 1822 को उनको राज तिलक मिला था। अच्छा, 1822 में उनको राज तिलक मिला हुआ था, 1837 को ये मंदिर, तो 1837 में ये मंदिर बन गया था जी जी जी। तो पंडित जी आपको यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है? मैं 1992 से हूँ, 93 से। अच्छा, 1993 से ही है जी। अखंड जो होता है ये जी, अखंड जो होता है ये अखंड। तो देखिए गाइस यहाँ पे पेंटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं, ये सभी 1837 की है, ये ओरिजिनल है। तो देखिए गाइस ये पेंटिंग देखिए कितनी प्यारी पेंटिंग है, जो यहाँ से लग रही है कि काफ़ी पुरानी है, हमारे J&K की आर्ट्स देखिए आप, काफ़ी फेमस पेंटिंग है ये, आप निशान देख सकते हो। तो ये गोली के निशान है? अच्छा अच्छा, तो ये देखिए आप पेंटिंग्स क्वालिटी देखिए आप, कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग है। तो उस वो जो गोला गिरा था, आप सोच रहे होंगे इस वक्त नहीं है, तो वो हमारे आर्मी की देखरेख में चला गया होगा जी, तो वो उन्होंने सिक्योरिटी रीजन के कारण वो गोला यहाँ पे नहीं रखा है। तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे वो गिरा था और बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही बम फटा था वहाँ से, तो कुछ ईंटें भी गायब है। लक्ष्मण जी की बाजू को चोट लग गई थी, तो जिस कारण मूर्ति खंडित हो गई थी, जो कि हमारे हिंदू धर्म में नहीं रखते हैं, चाहे वो मंदिर की मूर्ति हो, चाहे फ़ोटो हो, पिक्चर हो, कोई भी खंडित नहीं रखते हैं, शिवलिंग का भी आपको पता ही है, तो जिस कारण ये हमने चेंज कर दिए थे जी। तो काफ़ी प्यारा मंदिर है, हिस्ट्री देखिए आप, सब सबूत है यहाँ पे, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो ये भी हमारे एक J&K की काफ़ी मतलब अनएक्सप्लोर्ड पेंटिंग है, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स है हमारे जम्मू की, जो कि आर्ट्स, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पता होगी। और हनुमान के मंदिर चलते हैं, तो आइए हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। जैसे कि आपको बताया था उन्होंने कि पहली किरण पड़ती है सुबह की,
राम भगवान के चरण में, तो दूसरी शाम की किरण पड़ती है हनुमान जी के मंदिर में। तो आइए हनुमान जी के मंदिर में चलते हैं। अच्छा पंडित जी चलते हैं, टिक्का लगा दो। आओ कौन है? तो गाइस ये हमारा दूसरा मंदिर हनुमान जी का मंदिर, जो हमने आपको अभी पीछे दिखाया था कि सनराइज होता है हमारे राम भगवान जी के चरणों में और सनसेट होता है हमारा हनुमान जी के चरणों में। तो भैया हमारे जो हैं ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं ये वाले भैया। तो भैया आपका नाम क्या है? गुरुदेव सिंह सर। इनका नाम है गुरुदेव सिंह, ये यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट से। तो इनका बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ की हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ के आसपास की चीज़ों का सब बताया। अब बताइए इसके बारे में। सर ये जो मूर्ति है ना हनुमान जी की, ऐसी कि हिंदुस्तान पूरी मूर्ति आ रही है ना कैमरे में? हाँ पूरी। अब बताइए, बताओ जी। जो ये हमारे हनुमान जी की मूर्ति है भगवान की, ये ऐसी हिंदुस्तान में नहीं है कहीं। इसमें क्या चीज अलग, आप देखो क्या चीज अलग खासियत इसकी? पांव के नीचे देखो महालंकनी, महालंकनी कहीं नहीं है ऐसी मूर्ति पूरे हिंदुस्तान में चले जाओ ऐसी कहीं मूर्ति नहीं। तो अच्छा सही, इसकी ये खासियत है हिंदुस्तान में, बाकी जो मूर्ति है हनुमान जी की उसमें ये नहीं है? नहीं है। तो अच्छा अच्छा, ये भी बहुत और 200 साल मतलब ज्यादा पुरानी मूर्ति है। तो ये देखिए हमारे वानर, ये वानर सेना के, इनको केला खा रहे हैं। तो काफी अच्छी मूर्ति है, काफी अच्छी मूर्ति है वानर जी की। तो हनुमान जी का मंदिर देखिए पूरा लग रहा है कि ये 200 साल पुराना है, मंदिर की थोड़ी रिनोवेशन हुई है मगर मूर्ति वैसे की वैसी है। शाम को जब सूरज अस्त होता है हाँ, तो हनुमान जी के चरणों में लास्ट के फिर जब सूरज शाम को अस्त होता है ना, लास्ट किरणें ही और सूरज की हनुमान जी के चरणों में होता है। यहाँ पे होता है हमारा सनसेट होता है गाइस, इनके चरणों में होता है। मौसम आपने देखा हमारी राइड में, मोटो व्लॉग के बीच में आपने हमारा मौसम देख लिया होगा कि कैसा मौसम है। तो बारिश होने की वजह से थोड़ी सूर्य की रोशनी नहीं तो थोड़ी बहुत तो दिख जाती है आपको, कहाँ से आती है कहाँ से नहीं। आपको पूरे चरणों पे हम दिखाते हैं जो सूर्य की पहली किरण पड़ती है हमारे यहाँ बॉर्डर पे, कहाँ पड़ती है हमारे रघुनाथ टेम्पल में पड़ती है। तो आइए चलते हैं थोड़ा बाहर। नीचे रखो, नीचे नीचे रख दो ना, थोड़े पास फेंको उसके, थोड़ा पीछे हो जाओ। तो गाइस देख रहे हम बिल्ली के साथ बिस्कुट खा रहे हैं, वो देखो सामने बैठी है, जूम नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बिल्ली ने भी एक ही पीस खाया, मैंने एक पूरा भी खा लिया। ये ले और खाने उसके मुंह पे मार रहे हो, मां है क्या कर जा रहा खानी खा दिमाग खराब। तो देखिए गाइस ये इस वक्त हम यहाँ पे शॉप पे हैं, जो हमने आपको दिखाया था रघुनाथ टेम्पल हमारा, ये देखिए आप इंडियन आर्मी का सामान मिलता है यहाँ से आप देखिए। तो इस शॉप की आइए आपको मैं इस शॉप की एक खासियत बताता हूँ। इस शॉप का जो ऑनर था वो इस वक्त इधर दुकान के अंदर नहीं है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ। वहाँ पे देखो गोलियों के निशान है शीशे पे। तो देखिए गाइस आप गोलियों के निशान देखे आपने जो अभी, तो वो गोली ये जो मिसाइल है ये वहाँ पार से आई थी, आपको पता है वहाँ से ऐसे उड़ के आई थी, तो हिलाओ नहीं ना, ऐसे उड़ के आई थी तो सीधा वहाँ खिड़की पे बजी मगर वो फटी नहीं, क्योंकि पता है पाकिस्तान का माल ही कैसा होता है। फिर आपको क्या और भी आओ आपका, हम आपको खाली शर्रे दिखाते हैं। तो ये अभी दुकान है, इसके अंदर से आपको दिखाते हैं। नहीं, तो आइए गाइस आपको मैं यहाँ पे आपको मैं शर्रे दिखाता हूँ। वो जो शर्रे वो एक आपको मैंने दिखाया, एक ये है, एक ये मसाइल आई थी और एक ये आई थी, आप देखिए यहाँ पे। नहीं ये उधर बड़ा था, ये लाल बड़े थे, ये पहला हो। तो ये शर्रे थे, बाकी दूसरे वालों के जो ये होता है बम होता है इसके ना पीछे वाला, ये निकल जाता है जब फट जाता है, तो ये निकल जाता है। तो बाकी दूसरे दो बम्बों के ये यहाँ पे रह गए हैं और जो दूसरे थे वो ब्लास्ट हो चुके थे। आप देखिए शीशे पे निशान देखिए, आप पीछे शीशे पे निशान देखिए आप।
तो वहाँ पार से फायरिंग हुई थी। तो ये जो दुकान आप देख रहे हो, इस दुकान में भी हम गए थे, तो काफ़ी अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे, आर्मी के रिलेटेड कैप कूप सब कुछ, मसाले वगैरह कैप्स, हिमाचली कैप्स, बहुत अच्छे अच्छे आइटम है। तो एक बार आओगे तो चक्कर जरूर लगाना अपनी मेमोरी बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे ये दूसरी दुकान है हमारे रिंकू दी हट्टी, अगर आपको कुछ खाना शाना हो तो यहाँ पे आइए, भाई के पास आइए। बदुलियों का मिल्क मिलता है। हाँ, बदुलियों का मिल्क। तो भैया यहाँ पे दुकान वाले हैं, तो यहाँ पे भैया क्या मिलता है? मिल्क केक मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे ना फेमस है वाटर की मिठाई मिल्क केक, जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में पलंग तोड़ बोला जाता है। पलंग तोड़ मिठाई वो यहाँ का फेमस है, क्योंकि यहाँ एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, दूध का दूध लगता नहीं था, फिर उन्होंने मिल्क केक बनाना शुरू कर दिया और इतना फेमस हो गया कि देश में क्या विदेशों में भी वो सप्लाई होता है। तो वहाँ के आपको देखिए, हमारे बाहर के जो लोगों ने आइडियाज कॉपी किए हैं वो सारे हमारे इंडिया के, इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो मिल्क केक की आप आइए झलक देखिए। अभी वो खत्म हो गया, क्योंकि सुबह सुबह जितना बनाए दोपहर तक सारा खत्म हो जाता है। तो वो भैया कैसा होता है, टेस्ट कैसा होता है वो? दूध का ही, क्योंकि उसे हम देसी तरीके से बनाते हैं। देसी घी का केक होता है गाइस, देसी तरीके से बनाते हैं हम, ईंट की भट्टी में, वो लकड़ी के साथ बनता है, ठीक है? अच्छा अच्छा, लकड़ी के साथ बनाया जाता है, वो काफी मेहनत। तो आगे आपके पास होगा दुकान में? अभी तो खत्म है, नेक्स्ट कल शुरू होगा। आज तो कल हो जाएगा शुरू। तो आपको कभी लेना हो तो एक बार जरूर भाई के पास चक्कर लगाएं, तो मिल्क केक जरूर चखें, यहाँ का फेमस है और वहाँ बाहर भी लोग उसको खाते हैं, तो यहाँ पे जरूर एक बार वो चखिएगा। और सब सब कुछ हाइजीनिक है, सब कुछ अच्छा मिलेगा आपको यहाँ पे, सब कुछ अच्छा मिलेगा। देसी है, देसी गेहूं में बना हुआ हमारा केक। दो चीजें ही फेमस है इस आरसपुरा की, आरसपुरा में दो चीजें फेमस है, आरसपुरा बॉर्डर का मिल्क केक और बासमती राइस। बासमती राइस भी यहाँ की फेमस है, बासमती राइस और बॉर्डर का मिल्क केक, ये दो चीज़ें आरएसपुरा में बहुत फेमस है। तो आप कभी आए तो भैया से मिलिए, आपको ये वो दोनों चीज़ें ट्राई करवा सकते हैं। चलो।